सो हेलो एंड वेलकम डियर आईसीएसई स्टूडेंट। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अपनी पोएट्रीज की पोयम नंबर वन, जिसका नेम है अबव बेन आदम। तो आज हम लोग जो पोयम करने वाले हैं उसका नाम है अबव बेन आदम, और हमने यहाँ पर द ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज कर लिया है। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, उसमें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया, क्वेश्चंस भी दिए हैं, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखना, स्किप मत करना, और पूरा वीडियो बहुत अच्छे से बनाया गया है और आपको समझ में आएगा। चलो देखते हैं, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं अबव बेन आदम। अबव बेन आदम पोयम मतलब किसका जो बैकग्राउंड है, इसको लिखा गया है ली हंट के द्वारा। ओके, अबव बेन आदम किसके द्वारा लिखे गए, ली हंट के द्वारा। तो ये बेसिकली एक बात है कि वो उनके द्वारा लिखी गई, जब उसमें वो मतलब कि एक बहुत बड़े संत टाइप में होते हैं, मतलब वो जो लोग संत होते हैं जिसको कोई टेंशन नहीं होती ना, उसको रात में नींद बहुत अच्छी आती है, मतलब एकदम गहरी नींद। अब वैसे मान लो आपका कल अभी आईसीएससी का पेपर हो, आपको टेंशन है, आपको रात में नींद नहीं आ रही, रिजल्ट कब आएगा, कितना आएगा, ये वो, तो आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन आप संत हो, आपको कोई दिक्कत ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं, तो आपको नींद एकदम अच्छी से। यही हाल उनके साथ हुआ, तो वो एकदम गहरी नींद में सो गए, तभी उनको कोई आते हुआ दिखा और वहां पर वो पूरा कमरा चमक गया और कुछ ऐसा वैसा हुआ। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, उसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। आप देखो, मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको इसकी समरी बता देता हूँ। जो हमारी पोयम अबव बेन आदम है, इट विल बेस्ड ऑन द फेथ, लव एंड ह्यूमैनिटी। तो हमारी पूरी पोयम ये बेस्ड हमारी फेथ, लव और ह्यूमैनिटी पर। अबव बेन आदम इज अ शॉर्ट फेबल लाइक पोयम, शॉर्ट फेबल लाइक पोयम दैट सजेस्ट पीपल कैन बेस्ट एक्सप्रेस लव फॉर गॉड बाय सिंपली लविंग देयर फेलो ह्यूमन बीइंग। मतलब इसमें बताया गया कि ये जो पोयम हमारी प्यार, मतलब विश्वास, प्यार और इंसानियत पे पूरी पोयम बेस्ड है। फेथ का मतलब होता है मे बी विश्वास, लव का मतलब होता है प्यार, और ह्यूमैनिटी का मतलब होता है इंसानियत। ये जो हमारी पूरी पोयम है अबव बेन आदम, ये प्यार, विश्वास और ह्यूमैनिटी, इंसानियत पर बेस है। और ये पोयम मतलब एक छोटी सी कहानी नहीं है, इसमें ये बताया गया है, पीपुल को ये मैसेज दिया गया, ये पीपुल के लिए मैसेज है कि जो भगवान को प्यार मत करो, जो भगवान के द्वारा बनाए गए बंदे हैं उनसे प्यार करो, तो भगवान आपको प्यार करेगा। आपको भगवान से प्यार करने की जरूरत नहीं है, जो भगवान ने बंदे बनाए हैं, अगर आप उनसे प्यार करते हो, आप उनसे मतलब ह्यूमैनिटी से बात करते हो, उनका उनके ऊपर फेथ करते हो, या आप वो आपके ऊपर फेथ करते हैं, तो आप मतलब भगवान के आपको भगवान मानेंगे। अगर आपको भगवान मानना है तो आपको भगवान नहीं मानने, आपको अगर मानोगे तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, मतलब आपने भगवान को मान लिया, भगवान ने आपको मान लिया, ऐसे नहीं होता। आप भगवान के बनाए गए बंदों को आप मतलब अच्छा प्यार करो, ह्यूमैनिटी के साथ इंसानियत से बात करो, मतलब अच्छा मतलब दोस्त बनाओ, लाइक उनको प्यार दिखाओ, और जो बंदे हैं उनके मतलब जो उनके द्वारा बनाए गए और बहुत सारे लोग हैं उनसे प्यार करो, तो भगवान आपसे प्यार करेगा। बेसिकली यही बात है। द पोयम अल्टीमेटली आर गुड, द लव ऑफ ह्यूमन काइंड इज लव ऑफ गॉड, बिकॉज पीपल आर गॉड क्रिएशन। ओके, तो ये बात थी। अब चलो हम लोग यहाँ पर ले हंट के द्वारा लिखी गई पोयम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो अबव बेन आदम बाय ले हंट स्टार्ट करते हैं। अबव बेन आदम मे ही स्ट्राइव इन क्रिस्ट। तो जो इस पोयम को ले हंट लिख रहे हैं वो अबव बेन आदम पहले लिखते हैं, फिर लिखते हैं मे ही स्ट्राइव इन क्रिस्ट। अब आपको यहाँ पर ये पोयम लिखेगी, तो देखो पोयम को। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है अबव बेन आदम मे ही स्ट्राइव इन क्रिस्ट। अबव बेन आदम की काश उनकी मतलब ट्राइव इन क्रिस्ट हो। तो देखो, अबव बेन आदम मे ही स्ट्राइव इन क्रिस्ट। अबव बेन आदम से कहना है कि आपकी जो जनरेशन है वो बढ़ती जाए, मतलब एक तरफ से इनको होता नहीं मक्खन लगाने की आपकी जो जनरेशन है वो बढ़ती जाए, ये हो वो हो, तो आपकी जनरेशन जो है बढ़ती जाए, तो ऐसा वो उसमें लिखते हैं मे ही स्ट्राइव इन क्रिस्ट, इनकी जनरेशन है और इनके जैसे बहुत सारे लोग, मतलब अबव बेन आदम जैसे बहुत सारे लोग इस दुनिया में पैदा हों। आगे लिखो, अवोक वन नाइट फ्रॉम अ डीप ड्रीम ऑफ पीस। अवोक वन नाइट फ्रॉम अ ड्रीम ऑफ पीस, मतलब एक रात वो जागे थे अपने मतलब बहुत ही शांति सपने देख रहे थे और उससे वो जागे। एक रात की बात है जब वो बहुत ही गहरी नींद थे और वहां से वो जागे, तो उन्होंने क्या देखा, एंड सो विद मून लाइट इन हिज रूम, और उन्होंने देखा उनके जो कमरा है उसमें मून लाइट आ गई, मतलब कुछ चमक सा गया था, एकदम चौंधिया गए थे वो। मून लाइट, मून लाइट मतलब मून की आप जानते हैं लाइट कितनी ज्यादा होती है। मून लाइट इन हिज रूम मेकिंग इट रिच एंड लाइक अ लिली इन ब्लूम, मेकिंग इट रिच एंड लाइक अ लिली इन ब्लूम। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, आपको पूरी पोयम दिखेगी, मेकिंग इट रिच एंड लिली इन ब्लूम, मतलब यहाँ पर बताने की बात है कि उनको लग रहा था, मतलब होता नहीं कि जब आपके कमरे में पूरा सोना ही सोना, मतलब आप चमक एकदम कस के चमकने लगता है ना, तो उनको कुछ ऐसी फिल्म आ रही है, फीलिंग आ रही है, फीलिंग आप समझ सकते हो। अबव बेन आदम फीलिंग आ रही है, ना कि मुझे फीलिंग आ रही है। ओके, अबव बेन आदम ये फीलिंग आ रही है, पूरा कमरा एकदम चमक चुका है, लाइक लिली इन ब्लूम। लिली इन ब्लूम मतलब होता है पूरे तालाब में एक लिली का पेड़, आपको पता है कि लिली का फूल आपको पता है कैसे चमकता है, वही सेम फीलिंग आ रही थी उनको। आगे लिखा हुआ है एन एंजल राइटिंग इन अ बुक ऑफ गोल्ड। अब यहाँ पर आप लोग एक फोटो देखो एंजल की, यहाँ पर देखो ये, यहाँ पर मान लो मैं अबव बेन आदम हूँ और यहाँ पर एक एंजल बैठी हुई जो कि गोल्डन बुक में कुछ लिख रही है। तो वहाँ पर आपको लाइन में दिखेगा आगे, अब देखो लाइन में क्या लिखा हुआ है आगे पोएम लाइन, एन एंजल राइटिंग इन अ बुक ऑफ गोल्ड। एंजल का मतलब होता है मान लो स्वर्ग से कोई परी आई हुई अप्सरा, मतलब यहाँ पर ये नहीं बताया गया कोई सुंदर, मतलब कोई आया है
भगवान की बंदी, भगवान के द्वारा भेजा गया है कोई, भगवान के द्वारा भेजी गई है कोई, क्योंकि वो एंजल है. ओके, एन एंजल राइटिंग इन अ बुक ऑफ गोल्ड, सोने की बुक में लिख रही. सोने की बुक का मतलब ये नहीं वो महंगी सी बुक में लिख रहे, मतलब सोने की बुक में स्वर्ण अक्षरों से उन लोगों का नाम पढ़ रहे हैं जिससे भगवान प्यार करते हैं. भगवान जिससे प्यार करते हैं, पहली बार में वो जो जब पहली बार वो आते, अभी पहली बार आई, तो इसमें अभी इन समय उस गोल्डन बुक में ये थे कौन कौन यहाँ पर भगवान से प्यार करता है. पहली बार में ये लिखी, याद रखना, पहली बार में वो अपनी बुक गोल्डन बुक में ये लिख रही कौन कौन भगवान से प्यार करता है. आगे लिखा हुआ, एक्सीडिंग फेस हैड मेड बिन अबो बिन आदम होल्ड एंड टू प्रेजेंस इन द रूम ही सेड. ओके, मतलब उनकी, उन्होंने कहा मैं भी भगवान से प्यार करता हूँ तो शायद मेरा भी नाम इस बुक में. तो उनकी ये इच्छा जो है मतलब बढ़ती गई बढ़ती गई. उन्होंने पूछा एंड पूछा, उसी रूम में बैठी थी वो, एंड टू द प्रेजेंस इन द रूम ही सेड. और उन्होंने कहा, व्हाट राइटेस्ट थाउ, द विजन रेस्ट इट सेड. मतलब उन्होंने पूछा आप क्या लिख रहे हैं स्वर्ग की अप्सरा, मतलब आपने कहा आप क्या लिख रहे हैं इसमें. तो बताती है, एंड विद अ लुक मेड ऑफ ऑल स्वीट गॉड. और उन्होंने आंसर दिया, द नेम ऑफ दोस हू लव द गॉड. उन्होंने कहा कि, और उन्होंने आंसर क्या दिया कि वो मैं उन लोगों का नाम लिख रहा हूँ जो भगवान से प्यार करते हैं. तो ये उन्होंने कहा, मतलब ये जब वो आ गई कमरे के अंदर बैठी है, उस स्वर्ण अक्षर कुछ लिख रहे थे, उनकी एक्साइटमेंट बढ़ी, इनको लगा कुछ अच्छा चीज लिख रही होगी. तो उन्होंने इनकी एक्साइटमेंट रुक नहीं पाई क्योंकि ये भी भगवान से प्यार करते थे. उन्होंने पूछा आप क्या लिख रहे हैं, मतलब आप क्या दो, उनको बोला आप क्या टी एच ओ यू दो, आप यहाँ पर इस बुक में क्या लिख रहे हैं. तो उन्होंने बताया मैं यहाँ पर उन लोगों का नाम लिख रही हूँ जो भगवान से प्यार करते हैं, जो भगवान से प्यार करते हैं, नहीं भगवान जिनको प्यार करते हैं वो नहीं, भगवान से जो प्यार करते हैं. मतलब मैं भगवान से प्यार करता हूँ, भगवान मुझसे करते नहीं करती है नहीं, वो दूसरी बार पता चलेगा. मैं भगवान से प्यार करता हूँ तो वो एंजल उसी उन्हीं लोग का नाम लिख रही है. आगे देखो, और उसके बाद ये पूछते हैं एंड इज माइंड वन. तो उसके बाद ये जो पूछते हैं, मतलब अब हमें यादव कहते हैं, पहले हमने ये देखा आंसर द नेम ऑफ दोस हू लव गॉड, मतलब उसमें एंजल ने कहा यहाँ पर मैं उन लोगों का नाम लिख रही हूँ जो भगवान से प्यार करते हैं. अब इन्होंने कहा, उन्होंने उनके और एक्साइटमेंट है पूछेगा, एंड इज माइंड वन सेड अबाउ. अब उन्होंने कहा क्या इसमें मेरा भी नाम है, नहीं नो नहीं इसमें आपका नाम नहीं है. एंड इज माइंड वन, ध्यान से देखो, इसमें लिखा हुआ एंड इज माइंड वन सेड अबाउ. अब उन्होंने कहा क्या इसमें मेरा नाम भी है, तो एंजल ने कहा नहीं इसमें आपका नाम नहीं है. बट चियरली स्टिल एंड सेड आई प्रे थ्री देम राइट मी एज वन ऑफ देयर लवर्स फिलोमन. मतलब इन्होंने कहा, तब उन्होंने कहा, तब जो एंजल उन्होंने कहा कि मतलब इसको थोड़ा निराश हुई, भगवान से इतना प्यार करता तो इसको मतलब थोड़ा दुखी हुई. और उन्होंने कहा कि आप भगवान से आपको प्यार करने की जरूरत नहीं, आप जो भगवान के द्वारा बनाए गए बंदे हैं उनसे प्यार करो, जो पीपल्स हैं आपके नेबर्स हैं और जो आपकी कंट्री है, कंट्री में जितने लोग हैं उनसे प्यार करो, तो समझ लो आप भगवान आपसे प्यार करता है. अगर आप भगवान से प्यार करते हो उसका कोई मतलब नहीं, आपको लोगों से प्यार करना है, भगवान के द्वारा बनाए गए बंदों से प्यार करो, तब आप भगवान आपसे प्यार करेंगे. आगे लास्ट पैर आता है, द एंजल रोट एंड वैनिश, एंजल ने लिखा और गायब हो गई. फिर अगली रात आती है, एंजल रोट, एंजल ने लिखा और गायब हो गई. द नेक्स्ट नाइट इट केम अगेन विथ अ ग्रेट वेकिंग लाइट, मतलब अगली रात फिर उसी तरह चमक धमक की लाइट में आई है वो, मतलब मून लाइट की तरह आई है अंदर. और एंड सो द नेम्स होम लव ऑफ गॉड हैड ब्लेस्ड, मतलब अब उसके बाद उन्होंने ये नेम दिखाया कि गॉड किसको प्यार करता है, गॉड ने किसके ऊपर ब्लेस किया है. तब उसमें अबो बेन एदम कहता है, एंड लो बेन एदम इज नेम लेट ऑल द रेस्ट. बेन एदम कहता है, मतलब कि वो कहती है इसमें मतलब बेन एदम भी होता है, वो जो एंजल है वो, मतलब जो पोयम है, मतलब जो आई परी वो कहती है कि इसमें आपका नाम सबसे ऊपर है, आपने सबको बाकी पीछे छोड़ दिया, मतलब आपका नाम सबसे पहले प्यारा है, पहले है क्योंकि आप बंदों से भी प्यार करते हो, भगवान से भी प्यार करते हो, इसी वजह से आपका नाम पहला है. एंड लो बेन एदम नेम्स लेट ऑल द रेस्ट. आई होप आपको ये बात भी समझ में आई होगी. चलो आगे देखते हैं, तो लेट ऑल द रेस्ट, आई होप आपकी बात समझ में आई होगी. और यहाँ पर ये हमारी जेम्स हैरी लेई हंट, इनका पूरा नाम जो होता है वो होता है जेम्स हैरी लेई हंट के द्वारा ये पूरी पोएम लिखी गई. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना. मैं आपको एक अनाउंसमेंट देने वाला हूँ, यहाँ पर अनाउंसमेंट ये कि हमारी सेकंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन है, उससे फर्स्ट सेमेस्टर उतने ज़्यादा अच्छे नहीं गए, अच्छे से नहीं गए, क्योंकि उसमें क्वेश्चन तो ईजी थे लेकिन ऑप्शन कन्फ्यूजिंग थे, तो कुछ दिक्कत हो सकती है. बहुत लोग अच्छे भी गए, लेकिन जिनका नहीं अच्छे गए वो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे. हम लोग यहाँ पर आपको सेकंड सेमेस्टर की लाइन बाय लाइन पूरी प्रिपरेशन कराएंगे. यहाँ पर हम लोग ने उस वॉल की बुक से पूरी प्रिपरेशन करेंगे, जो कि बहुत अच्छी बुक है. मैं भी आपको कहूँगा आप वो वाले लोग, क्योंकि पिछली बार उसमें उतना अच्छा कंटेंट नहीं था, लेकिन इस बार कंटेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है उसका, और फ्लो चार्ट भी है. तो आई होप आप लोग यही बुक खरीदोगे, बाकी आपकी मर्जी. तो चलो हम लोग पूरी प्रिपरेशन करेंगे आपके साथ ही साथ, तो हमारे साथ बने रहना. अगर आप लोग चाहते हो हम लाइव भी हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हो हम लोग लाइव भी हैं. सो गाइस बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ. कोरोना बढ़ चुका है, घर में रहें, रात में पढ़े बैठ के, बाहर न जाएं. बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ.